लाना सर आइए एक बार आप सबको दिल दिमाग एक छोटे से दिल्हे फिर ले चलता हूं बाबू जी, ध्यान देकर के सुनेंगे बाबू जी। और मेरा दावा है, घमंड नहीं है बाबू जी, दावा जरूर है कि आंख से आंसू आवे ना आवे लेकिन कलेजा पसीज जाएगा बाबू। आप परम सम्मानीय परम श्रद्धे नथन सिंह यादव ग्राम महमदपुर के पवित्र पावन सरजमी से आपके कार्यक्रम द्वारा 101 रुपए के पुरस्कार चरणों में सादर वंदन है, अभिनंदन है, आशीर्वाद प्रतीक्षा है, एक ही स्वर में जनता जनार्दन को नमन। चलो मास्टर गाने का शीर्षक होगा क्रांतिकारी वीर योगेश, कहना है भर दो कण कण में वीरों नई चेतना, हिंदू खतरे में बाका तिरंगा पड़ा, रक्त की प्यास वसुधा पुकारे खड़ी, अश्रुधारा बहाता हिमालय खड़ा, बुद्ध गौतम सियारा तिल सरजमे, और जिनके रग रग में कातिर जौहर जरा, खेल तरहद हुई दुश्मनों से सदा मेरा भारत लड़ा, कहानी आप परम सम्मानित परम श्रद्धे अंकुश पाल ग्राम पिड़वा के पवित्र पावन सजनी से आपके कार्यक्रम द्वारा 500 रुपए के पुरस्कार चरणों में सादर वंदन है, अभिनंदन है, आशीर्वाद प्रतीक्षा है, एक ही स्वर में जनता जनार्दन को नमन है, कहना है कि आधिया जुल्म की झेल कर हद हुई दुश्मनों से सदा मेरा भारत लड़ा। दो लाइन गजल का नमूना है मास्टर, कि अगर अगर कुदरत ने चाहा तो मदीना हम भी देखेंगे, मदीना रसूल अल्लाह के, अरे रसूल अल्लाह का घर का करीना हम
परम सम्मान्य परम श्रद्धे महावीर सरोज ग्राम थामा के पवित्र पावन सरजमी से आपके इक्यावन रुपए के पुरस्कार शरणों में सादर वंदन है, अभिनंदन है। एक ही शरण जनता जनार्दन का नमन है। ये तो तर्ज का ओरिजिनल बोल रहा, लेकिन इसी तर्ज में कभी को कहना क्या है बाबू जी। हमारे तमाम रक्षक, देश के रक्षक हमारे फौजी जवान भी यहाँ पर उपस्थित है बाबू जी। इस लाइन पर गौर कीजिएंगे, कहना है बाबू जी। अरे वतन के नौजवानों, अरे वतन के नौजवानों, आप भी जाने नहीं दे। कहना है बाबू जी, खतरे में हिंद पड़ा है, होशियार तुम्हें है रहना, फूलों की नदी बहेगी, दुख दर्द पड़ेगा सहना। आप परम सम्मान्य परम श्रद्धे संगम लाल दिवाकर ग्राम थामा के पवित्र पावन सरजमे से आपके कार्यक्रम द्वारा 101 रुपए के पुरस्कार श्रवण में सादर वंदन है, अभिनंदन है, आशीर्वाद प्रतीक्षा है। कहना है आप परम सम्मान्य परम श्रद्धे राम मिलन प्रजापति ग्राम थामा के पवित्र पावन सरजमी से आपके कार्यक्रम द्वारा 31 रुपए का पुरस्कार शरण में सादर वंदन है, अभिनंदन है, आशीर्वाद प्रतीक्षा है। एक नई चेतना लेकर पर अपना तुम शीश चढ़ाओ, वतन पर मर मिटोगे यश सदा संसार गाए, शत्रु को अरे शत्रु को मुल्क लुटेरा, अरे शत्रु को मुल्क की रोटी कभी खाने नहीं देना। अच्छा परम सम्मान्य एक मिनट भैया बोले जा हमको थोड़ा सा। आप परम सम्मान्य परम श्रद्धे अमन यादव ग्राम जलीलपुर योजन सभा समाजवादी पार्टी जिला सचिव आपके कार्यक्रम द्वारा मान सिंह यादव ये हमारे चारों जन का मालिक साहब इनके भांजे की तरफ से ये बड़ा सुंदर पुष्पहार साथ में 101 रुपए के पुरस्कार चरणों में सादर वंदन है।
भीमचंद यादव। आप परम सम्मान्य परम श्रद्धे भीम सिंह यादव, भीमसेन यादव, ग्राम कोतारी के पवित्र पावन सजमी से आपके कार्यक्रम द्वारा 100 रुपए का पुरस्कार। आप परम सम्मान्य परम श्रद्धे राम लखन पाल, ग्राम रानीपुर के पवित्र पावन सजमी से 100 रुपए का पुरस्कार। चरणों में सादर वंदन है, अभिनंदन है, आशीर्वाद प्रतीक्षा है। आप परम सम्मान्य परम श्रद्धे अजय कुमार, सब्जी एवं फल के थोक विक्रेता, भैया 101 रुपया आपके द्वारा 100 रुपए का पुरस्कार। चरणों में सादर वंदन है, अभिनंदन है, आशीर्वाद की प्रतीक्षा है। कहना है बाबू जी, जिक्र उस वक्त का है जब मेरे देश पर अंग्रेजी शासन था। यहां तक कि तमाम यह चर्चा हो गई कि राजगुरु सुखदेव की फांसी हो गई और तमाम पेपर में यह बात आउट हो गई कि पंजाब के शेर सरदार भगत सिंह की, सरदार भगत सिंह की। ये बात फैलते फैलते कलकत्ता में पहुंचती है। कलकत्ते में एलगियम रोड पर कालजेट कॉलेज है, जहां हमारे नेता सुभाष चंद्र बोस शिक्षा पाए थे बाबूजी। उसी कॉलेज में एक लड़का पढ़ रहा है जिसका नाम जोगेश है, और एक लड़का उनका साथी है जिसका नाम मंगल है। पेपर के हालात पढ़ा तो बिलबिला गया, कहा जोगेश जोगेश, अरे देख जिसका तू दीवाना था, जिसको अपना मसीहा समझता था, अंग्रेजी कुत्ते तेरे सरदार भगत सिंह की फांसी पे झुला दिए। क्या नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, कैसा हुआ है देख। जब जोगेश पेपर का हालात पढ़ा तो बिलबिला गया मेरे देश का छोटा सा बच्चा कक्षा 10 का छात्र, और पंच पर खड़ा होकर कहता इंकलाब इंकलाब इंकलाब। प्रोफेसर रोटन क्लास में है, अंग्रेजी का क्लास चल रहा है बाबूजी, और प्रोफेसर को गुस्सा आ गया, कहा मंकी, अरे तुम साला काला बंदर क्या मानता है, कहा हम अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे, हम अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे। प्रोफेसर को गुस्सा आ गया कि ये बच्चों को क्रांतिकारी बना रहा है, और दौड़े की जैसे खींच कर उसके गाल पर एक रपटा मारूं, तब तक मेरे भारत का छोटा सा शेर पकड़ लिया हाथ प्रोफेसर का और खींच कर जाकर एक रपटा दिया। हिंदुस्तान की पहली मोहर अंग्रेजी कुत्ते के मुंह पर लग गई बाबू, और बेंच पर खड़ा होकर कहता है ये अंग्रेजों भारत छोड़ो हिंदुस्तान हिंदुस्तान ललकार के चल दिया बाबूजी, और अंग्रेजी की किताब पकड़कर फाड़ दिया, उसके मुंह पर फेंक दिया, दांत पर तमीज कहीं के, हमको ब्लैक मंकी कहता है, पकड़कर फेंक दिया और ललकार के चला गया कि आओ मेरे साथ मेरे साथियों, मैं इनको दिखा दूंगा कि भारत में कितना पानी है। ललकार के जब चलता है तो कभी के तल देना पड़ा मास्टर। मेरे भारत के प्यारे सपूतों, मेरे भारत के प्यारे सपूतों, उंगली पर दुश्मनों को नचाना, मेरे भारत के प्यारे नचाना, बांध कर
बांध कर ताज सर पे कफन का, बांध कर ताज सर पे कफन का, लाज लखन के रतन पी पर लक्ष्मी बाई लक्ष्मी बाई लक्ष्मी बाई लक्ष्मी बाई छासी को देखो याद करता है सारा ललकार के चला जाता है बाबूजी कि आओ मेरे साथियों, हम इनको दिखा देंगे कि भारत में कितना पानी है। बाबूजी ललकार को चला जा रहा है और ललकार को जाता है कि भारत माता की, लेकिन चला जाता है कभी के तर देना पड़ा मास्टर फिल्म दर्पण से। अरे चली मेरी दुल्हन की डोली लेकिन ये तो नहीं भा रहा, लेकिन जोगेश क्या कहता है बाबूजी। अरे चली है जवानों की टोली टोली है, लेकिन बाबूजी जोगेश दहाड़ता हुआ चला जा रहा है और कहता क्या है, हम अंग्रेजों से अपने खूनों का लेंगे बदला, मेरे देश का बच्चा देखो अपना रंग है बदला, आखा चौराहे के बगल में देखो भाई अंग्रेजी थाना, आकर के जोगे सवाहाय अपने मन में है थाना। क्या ठानता है कि आज आप परम सम्मान्य परम सिद्धे असरफी लाल यादव ग्राम महापुर के पवित्र पावन सजनी से याद के कार्यक्रम द्वारा 101 रुपए का पुरस्कार चरणों में सादर वंदन है, अभिनंदन है, आशीर्वाद दीक्षा है। और कहता है कि आज अंग्रेजी दरोगा को जरूर मारूंगा और बच्चों से कहता है कि जरा एक सीढ़ी बनाओ, जरा एक सीढ़ी बनाओ, दरोगा कहां बैठा है, हम उससे बदला लेंगे आज, हम इनको दिखा देंगे भारत में कितना पानी है। लेकिन बाबूजी जोगेश चढ़ा हुआ है, जोगेश चढ़ा हुआ है, अंग्रेजी दरोगा तोपा लगाए
कुर्सी पर बैठा कमीना सिगरेट सुलगा रहा है, जोगेश चढ़ा हुआ है, बच्चों से कहता है कि शांति रहना, और जोगेश खींच के पत्थर दरोगा बाबू के मस्तक पर मार दिया लगातार खिसाकर। बिलबिला गया दरोगा, कहा वाह ये देखिए मेरे देश पर उस वक्त भी गद्दार थे बाबूजी, ये मेरे देश में व्यापार बनकर आए, मुझ पर हुकूमत करते हैं, मेरे देश के बच्चे पर कहते हैं कि फायर, और सिपाही उनकी तामील किए शुरू आए था तड़ातर तड़ातर तड़ातर, तमाम गोलियां चलने लगी, बच्चे तमाम भागे, जोगेश खड़ा होकर कहता कि अरे मत भागिए, अरे नहीं भागिए, और ना अंग्रेजी कुत्ते कहेंगे कि मौत के डर से हिंदुस्तानी बच्चे भाग गए, खड़े रहो। सिपाही देख गया तान दिया राइफल उधर नीचे, देखिए बाबू जी उस वक्त थे गद्दार थे। जोगेश नीचे उतरता है और आज कभी कोई उत्तर दे देना पड़ा मास्टर भैया, कहा का खैरा चुनवा, कहावा का खैरा या चुनावा, अब कहावा के पान कहावा कटी कूली, कहावा कटी कूली लीलावा मारे जान, कहावा कटी कूली परम सम्मान्य परम श्रद्धे सुधीर कुमार पासी ग्राम प्रधान जी, ये आपके कार्यक्रम द्वारा 101 रुपए का पुरस्कार ग्राम बक्सराय के पवित्र पावन सरजमी से ये आपके समय में सादर वंदन है, अभिनंदन है, आशीर्वाद प्रतीक्षा है। लेकिन बाबूजी उस वक्त का जिक्र है कि अरे काए दीपा ना केरे लई जाए, अरे जहां थानेदार तोड़ावन की मार पड़ता है, तोड़ावन की मार पड़ता है, मानवन में सोच मार पड़ता है, मानवन में सोच बाबू जी वक्त होता है जोगेश के ऊपर कौ की बौछार होती है बाबू जी, और कहा भाई तूने पत्थर क्यों मारा, कहा तेरे हुक्मरान तेरे ही बड़े अधिकारी मेरे सरदार भगत सिंह को फांसी पर क्यों चुनाए, मैंने मारा कोई कसूर नहीं किया, कहा कबूल कर लो अपना, कहा नहीं मैंने हक किया है, ना हक नहीं किया है, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन बाबूजी वक्त होता है जोगेश को हालात में बंद कर दिया गया, बाबूजी जोगेश को हालात में बंद कर दिया गया, जोगेश हालात में बंद है और उसी में सोच है कि भगवान हम आजाद कब होंगे, आजादी की क्षण सबको कब मिलेगी, हमारा तिरंगा कब लहरेगा, यही तमाम बात सोच रहा है बाबूजी। लेकिन आज जज अरविंद जोगेश को फांसी का आर्डर दे दिया,
आज जोगेश को ला करके नहला धुला करके फांसी के तख्ते पर खड़ा कराया गया। बाबूजी देखिए बाबूजी, किसी भी मुजरिम की अगर जब फांसी होती तो उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। जोगेश से पूछा जाता है कुछ खाना चाहता है, नहीं। कुछ कहना चाहता है, नहीं। कुछ पीना चाहता है, नहीं। किसी से मिलना चाहता है, कहा बोलो चंद, कहा मेरे बहन है। देखिए बाबूजी, वो लोग भी बड़े खुश नसीब होते हैं, वो लोग बड़े खुश नसीब होते हैं जिनके सर पर माँ बाप का साया होता है बाबूजी। लेकिन ये एक बहन है, एक भाई है बाबूजी। माँ बाप का बचपन के सर से साया उड़ गया है बाबूजी। आज जोगेश कहता है कि एक मेरी बहन है, उसने ही पाल पोस कर अपने भाई को बड़ा किया था, बेटे के तुल्य प्यार किया था उस बच्चे से। कहा मेरी बहन है, बहन नहीं मेरी माँ है, मेरी माँ से मुझे मिलाइए। कहा ले जाओ उसको, ले जाओ उसको मिलाओ, और ये कल का सवेरा नहीं देखेगा। पीछे से हाथ बांध दिया गया बाबू, पीछे से हाथ बांध दिया गया। दो सिपाही बगल, दो बगल, दो आगे दो पीछे, आठ दस सिपाहियों के बीच में मेरे भारत का छोटा सा शेर चला जा रहा है, और यही कहता हुआ जाता है कि भारत मेरा आजाद होकर रहेगा, भारत मेरा आजाद होकर रहेगा। लेकिन जब पद्मिनी के गांव प्रवेश करता है बाबूजी, पद्मिनी के गांव प्रवेश करता है तो लोग शोर कर दे कि पद्मिनी, अरे जोगेश जोगेश तुम्हारा भाई आया है। पद्मिनी तोड़ कर आई अपने, देख के भैया का, अपने भाई के छाती से लगा लिया। कहा दीदी, दीदी देख ना, दीदी देख, तू मुझे अपना बेटा कहती थी दीदी, देख तेरे भाई तेरे सामने खड़ा है मेरी बहन। कहता क्या है बाबूजी, हाथ बंधे हैं पीछे की तरफ और गया बहादुर जो, अपने बहना रानी के वाह वाह लिया कदम तो छो। कहा दीदी, देख दीदी तुझे, तू मुझे बेटा कहती थी दीदी, देख तेरा भाई तेरे सामने खड़ा है बहन। लेकिन पद्मिनी देख करके रोने लगी, कहा नहीं दीदी तुम रोओगी नहीं, अगर तुम रोओगी तो अंग्रेजी कुत्ते कहेंगे कि हिंदुस्तान की नारियां कमजोर दिल की होती हैं, जो मौत की खबर पाकर रो दिया। और क्या कहता है मास्टर, एक तर्ज लगा, चल उड़ जा रे पंछी, चल उड़ जा रे पंछी की अगले देश दिया के आना, चल उड़ जा रे है। लेकिन जोगेश कहता है कि दीदी मत रो मेरी बहना की, अब मेरा उठाया तो मत रो मेरी बहना।
परम सम्मान्य परम श्रद्धे शिवबली पाल ग्राम रानीपुर के पवित्र पावन सजनी से आपके तरकुन द्वारा 100 रुपए के पुरस्कार श्रवणों में सादर वंदन है, अभिनंदन है, आशीर्वाद प्रतीक्षा है। और कहता क्या है बाबू जी अंतरे में आप परम सम्मान्य परम श्रद्धे राकेश प्रधान ग्राम अहमतियापुर के पवित्र पावन सरजमी से आपके कार्यक्रम द्वारा 51 रुपए के पुरस्कार चरणों में सागर वंदन है, अभिनंदन है, आशीर्वाद प्रतीक्षा है। तेरे पीरानी को मौत ने बहना चारों तरफ से घेरा, शायद इस जीवन में दीदी होगा नहीं सबेरा, लेकिन सुरेश कह रहा है कि दीदी मैं जा रहा हूं लेकिन मेरे मर जाने के बाद तुम मेरे मरने की खबर पूरे देशवासियों से बताना दीदी, और यही बताओगे कि तुम्हारा भाई अब किस तरीके से अपने देश के लिए अपने मुल्क के लिए मर मिटा। और बाबूजी याद रहे दीदी कि मेरे मर जाने के बाद मेरे खून का बदला, मेरे फांसी का बदला जज अरविंदन से जरूर लेना दीदी। ये तुम्हारे भाई की आत्मा की आखिरी ख्वाहिश है, तुम्हारे भाई की आत्मा को शांति मिलेगी दीदी। लेकिन सिपाही खींचिए तो मिलने को खत्म, कभी को टेरी का भाव देना पड़ा मास्टर। अरे आचल से मोती पहुंचे पद्मिनी, ओ आचल से मोती पहुंचे पद्मिनी, पुष्प मुरझाया रब की छीन हो गई जो पीला चल से मोती पहुंचे पद्मिनी, लेकिन बाबू जी जोगेश से पद्मिनी कहती है कि सिपाही खींच लिए कि मिलने तो मिलने का वक्त खत्म। कहा भाई साहब एक मिनट, मेरे भाई को एक मिनट साहब। कहा क्या बात है दीदी, तुम इन कमीनों को साहब कहती हो, मैं दीदी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगी। कहा नहीं मुन्ना तुम जा रहे हो शायद मुलाकात हो या ना हो। कहा हाँ दीदी ये तो सुनिश्चित है, लेकिन बहन क्या कहती है बाबूजी? आप परम सम्मान्य परम श्रद्धे देशराज मौर्य भैला मखदुमपुर के पवित्र पावन सरजमी से आपके कार्यक्रम द्वारा 31 रुपए के पुरस्कार चरणों में सादर वंदन है, अभिनंदन है, आशीर्वाद प्रतीक्षा है। लेकिन बहन क्या कहती है बाबूजी?
अरे रखिया बंधा ले मोरे सेरावा, अरे रखिया बंधा ले मोरे सेरावा, बहना चूमे माथावा। खुनावा के टीका अपने भैया के लगावाली, अखिया न देखे सजरावा भाई ए मुन्ना, अखिया न देखे सबेरावा, पहना चूमे माथावा। कभी को उड़ान में भाग देना पड़ा मास्टर, पकड़ सिपाही ले गए उसको खड़ा है देखो लाल, भारत का छोटा सा बच्चा अरे कर गया आज कमाल, कहे जो बेल पहन तुम क्यों दूर खाते, आकर के मोती करते बाबू जी यहाँ ला करके जोगेश से अंतिम इच्छा फिर से पूछी जा रही है। बाबू जी तमाम लोग डॉक्टर जज जेलर जल्लाद तमाम लोग खड़े हैं, बाबू जी योगेश से अंतिम इच्छा पूछी जा रही है, कुछ खाना चाहता है, कुछ पीना चाहता है, कुछ किसी से मिलना चाहता है, कुछ कहना चाहता है। जोगेश कहता है हाँ, कहा बोलो, चंद मिनट का वक्त तुम्हारे पास है, बोलो क्या कहना चाहते हो। तो जोगेश कहता क्या है, जोगेश से बोला अरे सुन दे फिरंगी, याद करेगा साले सारा जमाना, दे तो मुझको मेरी आजादी, यही है लब पे मेरे पसारे। आजादी मांगते हो, हो ब्लैक मंकी, कहा बस बहुत हो गया, और तुम्हारे पास है ही क्या जो मौत के सिवा मुझे दे सकते हो, दे दो मौत। वक्त हुआ दोस्त, लग गए जल्लाद, फंदा खींचा जा रहा है। एक छोटी सी बात पर मुजरिम ठहरा कर
और लोग बाहर खड़े होकर के चिल्ला रहे थे कि जोगेश को फांसी, जोगेश को फांसी ना दे जाए। लेकिन कमीने नहीं माने, मुजरिम ठहरा कर जज अर्जेंटन आज फांसी का आर्डर दे दिया, फंदा खींच लिया गया। वक्त हुआ दोस्त, भैया के गठिया लंबी लंबी लटक गई बाबूजी। डॉक्टर परीक्षण, डॉक्टर परीक्षण किए, मृत्यु घोषित दिया और कहा कि ले जाए इसके लाश को, इसके बहन को दे दो, ले जाए दे दे, कुत्ते खा जाएं। आप परम सामान्य परम श्रद्धे राम नरेश यादव ग्राम परैया के पवित्र पावन सरजमी से याद के कार्यक्रम द्वारा 51 रुपए के पुरस्कार चरणों में सादर वंदन है, अभिनंदन है, आशीर्वाद दीक्षा है। एक ही स्वर में जनता जनार्दन को नमन। जब पद्मिनी की गोदी में लाश पड़ती है तो बहन तड़प की बहन बिलबिला करके छाती पीट पीट करके रोने लगी कि मुन्ना मैंने तुझे अपने बेटा समझकर पाला था, मेरे भाई तुमने अपने वतन के लिए सब कुछ खो दिया। मुन्ना बहन गोदे में लाश लेकर के अपने भाई की रो रही है और क्या कहता है मास्टर, टूट गई सरे सहेलिया, टूट गया ना मोर चितवा जला के बहना लसिया के धरली देख रहा धरती अता। आज बाबूजी अपने भाई की लाश, अपने भाई की लाश चंदन चिता पे देखकर रखकर अग्नि दे दिया। बाबूजी अग्नि दे दिया और चिता धो धो करके जल रही है बाबूजी, और अपने भाई की लाश से, अपने भाई की लाश से लाख लेकर की कसम खाती है कि कसम तेरे लाख की भैया, मेरे मुन्ना जब तक जजर्मेंटन से तेरे खून का बदला नहीं ले लूंगी तब तक हिंदुस्तान का दाना पानी मेरे लिए हराम है।
बाबूजी आज बहन क्या करती है बाबूजी? भैया के राख अपने हाथ में उठा वाली अखिया से चूने में लखा भैया बाबूजी अपनी भाई की लाश से कसम खा लिया कि मुन्ना जब तक जजर बिन तेरे से खून का बदला नहीं ले लूंगी तब तक हिंदुस्तान का दाना पानी मेरे लिए अग्नि दे दिया। ओके पति धीरेंद्र खड़े हैं बाबूजी और अपने पति से कहते हैं कि स्वामी शादी हमारी हुई, हमने आपसे कुछ नहीं कहा, लेकिन आज आपकी पत्नी, आज आपकी दासी, आपकी अर्धांगिनी आपसे कुछ कहना चाहती है। आप परम सम्मान्य परम श्रद्धे विजय सिंह यादव ग्राम परौवा के पवित्र पावन सरजनी से 101 रुपए का पुरस्कार, चरणों में सागर वंदन है, अभिनंदन है, आशीर्वाद प्रतीक्षा है। एक ही समय जनता जनार्दन को नमन करेंगे और कहा कि आपसे कुछ कहना चाहती है। कहा बोले पद्मिनी लगता है विद्रोह की भावना तुम्हारे मन में है। कहा हां स्वामी, मैं आपसे मांगती हूं कि अपने मांग का सिंदूर मिटा दूंगी। कहा पद्मिनी, जानते हो कि अंग्रेजी शासन है, ये कुत्ते तुम्हें मार डालेंगे। कहा नहीं पिया, हुक्म दीजिए कि आज मैं एक ड्रामा करूंगी, अगर मैं वैसे जाती हूं तो अंग्रेजी कुत्ते मुझे मार देंगे और छत्म भेष में अपना भेष बदल कर जाऊंगी तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अच्छा नमो बताए दो भैया, अरे बताए दो तो ज्यादा अच्छा रहा था, एका कहे में कम रहा था। महापुरुष दादा जी यही बोला। अच्छा परम सम्मान्य परम श्रद्धे बाबा जी के करकमलों द्वारा ये पुरस्कार नहीं बाबूजी, पुरस्कार नहीं आशीर्वाद है। आशीर्वाद दिया कि हम आप सबके बीच में इसे हमेशा लहरात रहे। बहुत बहुत चरणों में सादर वंदन है, अभिनंदन है और एक ही शरण जनता जनार्दन को नमन है। और इधर बाबूजी कहा छत्म भेष में अपना भेष बदल कर जाऊंगी तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। कहा पद्मिनी मैं तुझे हुक्म देता हूं कि याद रहे तुम इस देश की संतान हो, जहां गंगा जमुना सरस्वती तीन नदियां बहती हैं, तुम उस देश की सीता सावित्री के देश की संतान हो, तुम्हारी इज्जत बरकरार रहे। कहा स्वामी आपको अपने पत्नी पर भरोसा होना चाहिए। आज जब वीरेंद्र पद्मिनी को हुक्म दे दिया तो आज अपने ही घर में लगी सजने और कैसे सजती है कभी तो सिंगार रस का वर्णन है यहां पर।
फुलारी तिलारी फुलारी मुंडारी दुलारी तिलारी फुलारी मुंडारी तुलारी दहिना पे सजाली हली गजरा नखरा धनरा गजरा अचरा भाई सारा पे ढुकाई हली अचरा भाई अरे जज के बना लावा ज पहुँच गई अरे जज के बना लावा ज पहुँच गई नया पंजुल तैयार जज के आज बाबूजी अंग्रेजी दरोगा जज अरविंदन अपने कचहरी से छुट्टी पाकर अपने लान में बैठा हुआ है। बाबूजी सामने मेज पर शराब की बोतल, बगल में सिगरेट, कुर्सी पर बैठा आराम कर रहा है। दिन भर का हरा थका आराम कर रहा है। इतने में पद्मिनी लान के सामने पहुंचते हुए अपने पांव का पैर छनका दिया कि तो जज देख गया ओ आईसी आईसी बोलते कम यार डाली ब्यूटी फुल ब्यूटी फुल कम यार कम यार। पद्मिनी अंदर प्रवेश किया और हाथ में शराब की बोतल लिए मतवाला झूम पड़ा। बाबूजी लगा दिया पद्मिनी के बाजू में हाथ तो पद्मिनी सोचती है कि एक पराये पुरुष का स्पर्श मैं करूंगी, धिक्कार है मेरा जीवन को, धिक्कार है हिंदुस्तान को, मैं सीता सावित्री के देश के संतान हूं। लेकिन बाबूजी मेरे देश की बाला वहीं पर डार देती है और कैसे कहती है मास्टर भूलू दादा के तले में बेली गुलशन में और नार ना बेली गुलशन में और कौन तचमाई पाटी काटी नार ना बेली गुलशन में अरे जब डांट दिया कहा पहुंचा अपने मेज के पास अपने रिवॉल्वर निकालने के लिए तो बस पद्मिनी सोचती है कह रही ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ये कमीना मुझे मार देगा। बस मेरे देश का बाला वहीं पर ड्रामा कर दिया और ड्रामा क्या कर दिया और कहती क्या है मास्टर
कि अरे मोरी झूलनी पे मरी गए, अरे मोरी झूलनी पे मरी गए, लाखों जवान मोरी बाबूजी। ये हाल देखकर जज एकदम मगन हो गया बाबूजी, और हाथ में शराब के बोतल लिए मतवाला झूम पड़ा बाबूजी, मतवाला झूम पड़ा। तो कभी को आल्हा में भाव देना पड़ा मास्टर। गाना करीब है दोस्त। हम हमसे तू प्यार करा, सुना हो दिला दुनिया, पसिया बुझा जा रानी आज तू हमारे। अरे मरे गरवा का बन जा तू हर वाला, सोच पदनी आता कर मन पीछा, हमारे तू फसिया चढ़ा वाला, बोलाली बहिया मोरे देश कलबाला, कहे अरे जरा सूरज डूबने दीजिए, अंधेरा होने दीजिए। हम तो है देखे सब जगह कई नजरिया, यही बालू रे तावा में लेती जाओ पपिया, आप परम सम्मानी परम श्रद्धे मांग सिंह यादव आह्लादपुर के पवित्र पान सरजमी से 51 रुपए पुरस्कार, 54 सादर वंदन है, अभिनंदन है, आशीर्वाद प्रतीक्षा है। यही बालू रे तावा में लेती जाओ पपिया, और खींच के तमा
पाले की गैले ना से मैं जाता हो अरे छतिया के ऊपर दीदी हो जाई सवार हो छतिया के छोटे से आपके लिए मेरे भाई जोगेश को तुमने फांसी दे दिया बोल मेरे भाई का क्या कसूर था और करते क्या है बाबू जी अब अगर इसे बाही नाका कारी यानी काला बहन बाबूजी कटारी मारकर जैसे चंडी का रूप धारण कर लिया बाबूजी और कहती है कि जोगेश आज तेरी वचन मैंने निभा दी मेरे भाई ले लिया पढ़ना इस हराम खोरे अंग्रेजी कुत्ते से भगवान तुझे सर्वोच्च स्थान दे तेरी आत्मा को शांति मिले भगवान मुझे माफ करना मुन्ना और कहती क्या है और मरली कटारिया नदी में भी है लखिया कटारी मार कर बाबू जी फेंक दिया लाश जा कुत्ते तूने मेरे भाई को मारा था मैंने भाग तुझे मार दिया और कटारी मार कर बाबू जी पहना चंडी को धारण कर लिया और वहां से चल दिया और कभी को अंतिम भाव में कहना पड़ा बाबू जी ओह खड़ी मास्टर बदला लिया चुकाई और कहते कभी बर है बरली कभी ताई हो आचल से मोती पहुंचे अरे देश आजाद हुआ तन पर खतर की धोती आचल से मोती पहुंचे पड़ी